डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। इसमें होगा अशोक गहलोत और भूपेश बघेल का रास्ता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली में होने वाले G20 में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया था। इन दोनों नेताओं का आरोप है कि उनके हेलीकॉप्टर और विमान को दिल्ली में उतरने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए वे लोग G20 कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राज्यपालों और राज्यों के मुख्यमंत्री के सरकारी विमानों के उतरने का रोक नहीं है, लेकिन निजी विमान के लिए अनुमति की व्यवस्था की गई है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह का क्या होगा? राजनीति खासी समझ रखने वाले दारा सिंह चौहान की छोटी सी गलती ने उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। यही नहीं, बड़बोलू की पहचान रखने वाले ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ फंस गए हैं। चुनाव परिणाम ने घोषी उपचुनाव में जीत का दावा करने वाले दोनों नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब उनके समर्थक और राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों की जुबान पर एक ही सवाल है कि दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा। मोदी के साथ होंगे 5000 अतिथि। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को रामलला के स्थापना समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 5000 चुनिंदा अतिथि शामिल होंगे। इनमें 2000 संत और 3000 अन्य विशिष्ट लोग होंगे। अतिथियों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आमंत्रित भेजेगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ देश के वातावरण को राममय बनाने का प्रयास किया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा और महोत्सव के हर दिन लाखों राम भक्त राम जन्मभूमि परिसर में उपस्थित होंगे। हालांकि रामलला की स्थापना के समारोह में 5000 लोगों को ही शामिल की जाने की अनुमति दिए जाने की योजना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th. Smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut.